कमाल करेंगे नाउ कैनरी वेल ही हैज ओवरटेकन हिम और अभी के लिए वो आगे की तरफ जा जरूर रहे बहुत ही ज्यादा कम हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है अक्षु अभी भी पीछे लैंडिंग सही होनी चाहिए लैंडिंग सही होगी भी लेकिन भाई समझ के बोल रहा हूं यार बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो फाइनल्स फॉर टुडे AAA Werewolves vs Power Phoenixes अक्षु रेडी कनेरी क्या आप रेडी हैं कनेरी क्या आप रेडी हैं परफेक्ट इन 3 2 1 लेट्स स्टार्ट द रेस वेल एब्सोल्युटली काफी अच्छा यहाँ पे सिचुएशन चलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है देखना पड़ेगा अक्षु किस तरह से खेलते हैं शुरुआत में यहाँ पे टसल देखने को मिला कैनरी के पास एक अच्छी लीड यही हुआ था पिछली रेस में भी अगर हम देखें कि वहां पे आदित्य ने एक लीड ली थी वंशज चेजिंग गेम खेल रहे थे कैनरी अभी आगे अक्षु उनके जस्ट पीछे देखिए हमने डकार डेजर्ट रैली में देखा था कितना बढ़िया अक्षु जो है वो रेसिंग गेम के अंदर हमें देखने को मिलते हो पहली पोजीशन से वो आ भी गए हवा में ही वो उड़ते हुए हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं एंड कैनरी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया मैं एग्जैक्टली इसी चीज की बात ही कर रहा था कि हमने देखा है अक्षु को कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो हमें देखने को मिलते हैं रेसिंग गेम के अंदर लेकिन अभी के लिए उनके प्रतिद्वंदी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिन्होंने रेस हारी नहीं है वो रहने वाले कैनरी इट्स गोना बी टफ डबल बैरल रोल का जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ मैं किस्मत आप उसे कह सकते हैं कि सही ठिकाने पे वो गए या फिर आप एक्सपीरियंस कह सकते हैं क्या बढ़िया तरीके से वो गेम खेलते हैं बट हर्ष आपने जिस तरीके से यहाँ पे शुरुआत देखी है क्या लगता है कि एक बार फिर से पावर फिनिक्सेस बस केवल फाइनल में ही रह जाएगी या अभी भी चांसेस हैं मैं बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि क्या होने वाला है क्योंकि अभी देखा आपने से आदित और वंशज के मैच में एकदम से कुछ भी पलट जाता है तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता अभी मैं खुद परेशान बैठोगे क्या होने वाला है क्या नहीं बट अभी तो अक्षु आगे चल रहा है लेट्स होप के लीड ले ले कैनरी आई मीन काफी क्लोज यहाँ पे कंपटीशन चलता हुआ ये रेस में ज्यादा दूरी है नहीं बैरल रोल का इस्तेमाल यहाँ पे किया दो बार उन्होंने बैरल रोल किया एंड बहुत क्लोज कैनरी यहाँ पे आ चुके हैं अब अगर वो उनके पास वो निट्रो है तो वो आगे निकल भी सकते हैं बट अभी के लिए दोनों बहुत क्लोज चलते हुए कैनरी अगर बिना टकराए चलते रहते तो ज्यादा बेहतर होता बट उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ पे बड़ी जरूर हैं ऑब्वियसली वो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ भी रही हैं एंड दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी ज़्यादा करीब हमें एक दूसरे के देखने को मिल रहे हैं और यही तो फाइनल्स की वाइब होती है कि आप देखिए कितना ज़्यादा क्लोज ये कॉम्पिटिशन जो है वो भी जाता हुआ नजर आ रहा है एंड कैनरी ही माइट जस्ट ओवरटेक इट एंड ही विल डू दैट और आगे निकलेंगे कैनरी इज ऑन अ रोल राइट नाउ एंड हर्ष भाई व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस मैंने बोला ना मैं फिनिश होने तक कुछ नहीं बोल पाऊंगा अक्षु मैं कुछ बोलूंगा जैसे आदित्य के लिए मैं बोल रहा था एकदम से वंशज आ गया तो पूरा मेरा मूड खराब हो जाता है तो अभी देखते हैं बिल्कुल एंड में आके मैं बोलूंगा कुछ मुझे लगता है कि ये जो स्पीड है गाड़ियों की उससे कहीं तेज आपके दिल की धड़कने इस वक्त चल रही है क्योंकि जिस तरीके से आगे पीछे दोनों खिलाड़ी और मुझे लगता है कैनरी इस वक्त बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं अक्षु उनके पास शायद अब मौका ना हो 58-60% लगभग उन्होंने जो रेस है वो कंप्लीट कर दी और जैसे हमने अक्षु की बात की थी डबल बैरल का बढ़िया इस्तेमाल किया गया था और वही सेम चीज हमें कैनरी के द्वारा देखने को मिलता है बट लैंडिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट That was a 5x barrel roll, Maisy. अभी तक मेरे ख्याल से हमने देखा नहीं था 5x barrel roll. तो कैनरी तो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हुए मैं बस एक चीज़ कहूँगा एक प्रो की तरह खेल रहे हैं जो अभी तक वो नहीं खेल रहे थे बट आज के दिन में कैनरी ने अपना असली रूप दिखाया एक प्रो की तरह वो आगे बढ़ते हुए हर्ष अभी भी बहुत क्लोज ही चल रहा है इट्स नॉट लाइक के वो जीत चुके हैं जैसा कि आपने बताया बट एक चीज़ रहती है इस गेम के अंदर कि जब तक आप गलती नहीं करोगे ना तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं बट अगर आपने गलती करी आगे रह के तो फिर आप पीछे हो जाओगे पूरा गेम बदल जाता है हाँ ये तो है और आपकी ये गलती से दूसरा प्लेयर बहुत आगे आ जाता है तो ये है कि खुद सही चलना है और तो ध्यान में रखना रख के खेलना है गेम ये और मैं देख रहा हूँ इतना प्रेशर मेरे को देख के फील हो रहा है भाई गेमर का तो क्या हो रहा होगा जो खेल रहे हैं इस टाइम पे मैं वंशज की फीलिंग समझ सकता हूँ जब उसको सांस चढ़ गई थी आई मीन ऑब्वियसली वो जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा करीब एंड यहाँ पर शायद कुछ देखने को मिल सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे ट्रिपल वेयरवुल्फ्स के अक्षु वो आगे निकलते हुए नजर आएंगे एंड कैनरी वो अभी तक आगे थे वो हमें पीछे देखने को मिलेंगे जो नाइट्रो बार है वो फुल है दोनों ही प्लेयर्स का नाइट्रोस का इस्तेमाल करेंगे नाउ कैनरी वेल ही हैज ओवरटेकन हिम और अभी के लिए वो आगे की तरफ जा जरूर रहे बहुत ही ज्यादा कम हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है अक्षु अभी भी पीछे लैंडिंग सही होनी चाहिए लैंडिंग सही होगी भी लेकिन कैनरी प्रेशर बहुत ज्यादा डबल बैरल रोल पे वो जाएंगे जरूर से अभी भी वो आगे हमें देखने को मिले इट्स 99% नो इट्स अक्षु ही डिड इट एंड कैनरी बहुत ज्यादा करीब पर बहुत ज्यादा दूर वो क्लोज एंड वो
25 फक। अगर तू